हाय फ्रेंड्स, अग्नि ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी टेस्टी शक्कर पारे बनाने की विधि। उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए, मैदा, ऑयल और पानी। इससे हम आटा तैयार कर लेंगे और चाशनी अलग से हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम आटे में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक बार ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटे में बहुत बढ़िया से मोयन हो गया है। इसको मोयन अच्छा हुआ है ना, इसे चेक करने के लिए ऐसे आटे को मुट्ठी में बंद करेंगे। अगर ये बंद हो जा रहा है तो समझिए मोयन बहुत बढ़िया हो गया है। अगर नहीं ये बंद हो रहा है तो फिर थोड़ा सा और ऑयल इसमें डालने की आवश्यकता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया से मोयन हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसे मिक्स कर लेंगे। आटा गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा पानी ही डालेंगे, और इस तरीके से अपना डो तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो गीला हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बहुत बढ़िया से रेडी हो गया है। अब इसे हम बेल के और जिस भी शेप में चाहे उस शेप में काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये चाशनी है, मैं पहले से बना रखी थी, और चाशनी बनाने की विधि मैंने लौंग लत्ता वाले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये चाशनी मैंने पहले से बना रखा था, इसलिए थोड़ा जम गया था क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसे हल्का गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़े से आटे को इस तरीके से लेंगे और इसे गोल बना के इसको बेल लेंगे, और हाँ मोटा ही बेलना है इसको, बहुत पतला नहीं करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसको बेल लेना है, और अपने जो भी शेप पसंद हो उस शेप में इसको हम काटेंगे। फिर फ्रेंड्स, इसे बेलने के लिए सूखे आटे या ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोयन की वजह से ये चिपकता नहीं है उसमें चकले में। देखिए बहुत बढ़िया से इसको बेल लिया है, अब इसे काटेंगे। बहुत मोटा नहीं है, इतना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसे काट लिया है मैंने, और फिर एक एक करके इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से, और फिर इसे डीप फ्राई करना है, धीमी आंच पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया है, और ये चिपकता नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं, ऑयल में पड़ते ही सब अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया, इसमें एक टुकड़ा डाल के चेक कर लेंगे, तुरंत ही पूरा नहीं डालेंगे। अब देखिए ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लो फ्लेम रखेंगे, क्योंकि इसको डीप फ्राई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लेम को लो ही रखना है, धीमी आंच पे फ्राई करना है, और गोल्डन कलर का हो जाने के बाद इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, कलर बहुत बढ़िया आ गया है, और इसे ऑयल से बाहर निकाल के आधे मिनट के लिए बाहर रखेंगे, उसके बाद चाशनी में इसे डाल देंगे। अब इसे बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, कलर बहुत बढ़िया आ गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, चाशनी हल्की गर्म है, ये देखिए, मैंने बर्तन को मैं छू रही हूँ, गर्म है लेकिन छू सकते हैं। तो हल्की गर्म चाशनी में 30 सेकेंड हो गए हैं, अब हम जो शक्कर पारा तल के निकाली है उसमें डाल देंगे। अब बहुत देर तक डाल के नहीं छोड़ना है, 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे अधिक से अधिक, या फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ के और फिर इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक इसमें छोड़कर नहीं रखना है, और ये जो चाशनी है ना, एक ताक की चाशनी होनी चाहिए। ये देखिए,
नहीं तो बहुत गाढ़ी चाशनी होगी तो चीनी चीनी की तरह जम जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। इसको 2-3 मिनट छोड़ के फिर बाहर निकाल लेंगे। अगर आपने बहुत मोटा बनाया है तो सिर्फ 5 मिनट तक छोड़ेंगे चाशनी में बस। फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स टेस्टी शक्कर पारा एकदम बन के रेडी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है और आप इसे 10-15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।